हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके विद पीके में। दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण क्विज है हमारा टॉप 30, वो है नंबर 31, जो कि दोस्तों आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड की जो शारीरिक परीक्षा है उसकी डेट अनाउंस होने वाली है, यानी आपको अब तैयारी करते रहना चाहिए और आपको साथ में लिखित परीक्षा की तैयारी भी करते रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपकी दो तीन महीने की तैयारी में एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, उसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों, हमारे जो YouTube चैनल है उसके माध्यम से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, बिल्कुल जो उसका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो क्विज है हमारा आज स्पेशल है। आज हमने जो उत्तराखंड इतिहास की डीपली पुस्तकें हैं, यानी अजय रावत, घनश्याम जोशी और जो आपकी DD शर्मा हैं, उससे प्रश्न नहीं डाले हैं। आज के जितने भी ये 20 प्रश्न हैं उत्तराखंड के, ये परीक्षावाणी से डाले गए हैं, जिनका स्तर थोड़ा ऊँचा है। तो अगर दोस्तों आपने परीक्षावाणी का ढंग से अध्ययन किया है, आपने पूरी पढ़ी है, तो ये प्रश्न आपको ज़रूर आने चाहिए। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने नंबर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि पता चल सके कि आप परीक्षावाणी कैसे पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्विज। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देख लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, राज्य की राजधानी देहरादून का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों, देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। UKSSC के पैटर्न के अनुसार ये जो भौगोलिक क्षेत्रफल से प्रश्न लिया गया है। तो दोस्तों, इसका जो आपका राइट आंसर होगा 3088, यानी 3088 वर्ग किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आपका, उत्तराखंड राज्य के दो ऐसे जनपद जो अपने 6 पड़ोसी जनपदों को स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे दो जनपद हैं मात्र उत्तराखंड में जो अपने 6 पड़ोसी जनपदों को स्पर्श करते हैं, आपको उनके नाम बताने हैं। आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, दो जनपद हैं आपके, चमोली और अल्मोड़ा, जो कि अपने पड़ोसी 6 जनपदों को स्पर्श करते हैं। और एकमात्र आपको बता दूं, पौड़ी जनपद है जो सर्वाधिक जनपदों को स्पर्श करता है, यानी पौड़ी जिला 7 जनपदों को स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपका, राज्य के किस क्षेत्र की कृषि उत्पादकता गंगा के मैदान के समान है? तो दोस्तों, ये प्रश्न किसी अजय रावत की पुस्तक से नहीं लिए गए हैं, DD शर्मा से नहीं लिए गए हैं, बिल्कुल परीक्षावाणी के प्रश्न हैं, बहुत ही ईजी प्रश्न है। आप सभी को अपने मार्क्स जरूर बताने हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, राज्य के किस क्षेत्र की कृषि उत्पादकता गंगा के मैदान के समान है? तो जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, तराई क्षेत्र होगा। देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। चिलकिला दर्रा राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों, आपको दर्रा है ये राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण, ये बताना है आपको राज्य में कहाँ स्थित है चिलकिला दर्रा। देख लेते हैं दोस्तों आंसर। आंसर है आपका, जो चिलकिला दर्रा ढिकोली नैनीताल में स्थित है। ढिकोली आपका रामनगर में पड़ता है, यानी नैनीताल में आपका राइट आंसर होगा चिलकिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उत्तराखंड राज्य से पूर्व किन किन यानी किस राज्य को हिमालय राज्य का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों, ये हिमालयी राज्य होगा, हिमालयी राज्य का दर्जा किसको मिला है? यानी दोस्तों, ये प्रश्न बिल्कुल जो उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल है या उत्तराखंड के गठन से संबंधित तथ्यों से लिया गया है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आयोग पूछ रहा है। तो जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, यानी उत्तराखंड को सन 2000 में हिमालयी राज्य का दर्जा मिला था। इससे पहले दो राज्यों को एक साथ मिला था 1987 में, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को। देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। नैनीताल जनपद का कौन सा क्षेत्र शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, आपको बताना है कि नैनीताल जनपद है जो, उसका कौन सा क्षेत्र शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, और परीक्षावाणी से लिया गया प्रश्न है। तो दोस्तों, जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा मध्यवर्ती नैनीताल, यानी नैनीताल का जो मध्य भाग है वो शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य के भौगोलिक विभाजन में तराई क्षेत्र की तुरंत उत्तर दिशा में कौन सा क्षेत्र है? तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आयोग द्वारा पूछे जा रहे हैं, तो ये थोड़ा लेवल हाई तो नहीं है, क्योंकि परीक्षावाणी से है, परीक्षावाणी का ऐसा कोई भी पेज नहीं होना चाहिए जो आपने ना पढ़ा हो, अगर आप उत्तराखंड की परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा भावर क्षेत्र, यानी राज्य के भौगोलिक विभाजन में तराई क्षेत्र के तुरंत उत्तर दिशा में जो क्षेत्र है वो भावर क्षेत्र है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से।
अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, रक्षा सूत्र आंदोलन के सूत्रपातकर्ता सुरेश भाई का संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों ये जो रक्षा सूत्र आंदोलन है ये वन संबंधित आंदोलन है और इसके जो सूत्रपातकर्ता हैं सुरेश भाई है। एक प्रश्न ये बन जाता है आपको और आपको बताना है इनका संबंध किस जनपद से है। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों टिहरी जनपद होगा और ये जो आंदोलन हुआ था आपको याद रखना है 1994 में ये आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध पर्यावरणविद चंडे प्रसाद भट्ट को एशिया के सबसे बड़े रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों आपको आंसर बताना है इसका, आपको जो राइट आंसर होगा दोस्तों 1982 यानी 1982 में चंडे प्रसाद भट्ट जी को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था पर्यावरण के क्षेत्र में। और दोस्तों ये उत्तराखंड की फेमस पर्सनैलिटी हैं, इन्होंने जो चिपको आंदोलन था उसको विश्व स्तर पर फैलाया था, उसका प्रचार प्रसार किया था, तो इसलिए आपको इनका जन्म भी याद रख लेना है 23 जून 1934 को इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद में विषुवत संक्रांति के दिन कौन सा मेला लगता है? तो आपको आस्था आंसर बताना है आपको, उत्तरकाशी जनपद में विषुवत संक्रांति के दिन कौन सा मेला लगता है? तो आपको जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिस्सू मेला आपका राइट आंसर होगा, विषुवत संक्रांति के दिन मेला लगता है और दोस्तों इसी कारण इसका नाम बिस्सू मेला है क्योंकि ये विषुवत संक्रांति के दिन लगता है और उत्तरकाशी जनपद में लगता है। तो आपके दो क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है दोस्तों, वैशाख माह में गढ़वाल में सारा पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो सारा पर्व है नाम है एक पर्व का यानी त्यौहार है, एक सारा वैशाख माह में गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, गांव को बीमारी से बचाने के लिए ये पर्व मनाया जाता है दोस्तों। और ये जो पर्व है इस पर्व में स्पेशली नंदा देवी के दूतों की पूजा की जाती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान के समीप ऋषि घाटी स्थित है? तो दोस्तों आपको ऋषि घाटी बताना है कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर सो हो गया, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के नज़दीक क्या है, ऋषि घाटी स्थित है। आपको पता होना चाहिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है उसकी स्थापना 1982 में हुई थी और 1988 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया था। तो दोस्तों ये ऋषि घाटी है, आपको याद रखना है ऋषि घाटी, आपको नोट कर लेना है, 620 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, वर्तमान में उत्तराखंड की वन पंचायतों में कुल सीटों का कितना प्रतिशत महिलाओं हेतु आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों आपको पता है उत्तराखंड में जो पंचायती राज व्यवस्था है ये 1931 से शुरू हो गई थी, तो आपको बताना है कि महिलाओं हेतु कितने प्रतिशत जो है आरक्षित की गई है यानी कुल सीटें वन पंचायतों में। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 50%, ये प्रश्न परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहे हैं। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में फूलों की घाटी को नंदकानन कहा गया है? तो दोस्तों बहुत इजी प्रश्न है, परीक्षावाणी से सभी प्रश्न आज दोस्तों परीक्षावाणी से लिए गए हैं, किसी अन्य बुक से आज प्रश्न नहीं लिए गए हैं। आपको जो राइट आंसर होगा दोस्तों फूलों की घाटी को नंदकानन कहा गया है मानस खंड के केदारखंड में, यानी आपको जो मानस खंड ग्रंथ है उसके दो भाग हैं केदारखंड और मानसखंड और केदारखंड, आपको पता है ये उत्तराखंड के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो आपको जो राइट आंसर होगा दोस्तों फूलों की घाटी को नंदकानन कहा गया है मानसखंड के केदारखंड में। ये दोस्तों थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़न है, ये मानसखंड के केदारखंड में नहीं होगा, ये आपका स्कंद पुराण के केदारखंड में होगा क्योंकि जो मानसखंड और केदारखंड है वो स्कंद पुराण के भाग हैं। तो यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंटिंग हुई है, मानसखंड के केदारखंड में नहीं, स्कंद पुराण के केदारखंड में। अगला है दोस्तों आपका, दीक्षित आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र दीक्षित द्वारा समिति की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को कब सौंपी गई थी? तो आपको आंसर बताना है, दीक्षित आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र दीक्षित, पहला आपका आंसर क्वेश्चन बन जाता है कि दीक्षित आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वीरेंद्र दीक्षित थे, और इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी मुख्यमंत्री को कब सौंपी थी? पहली बात तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए दीक्षित आयोग, मैं आपको बता चुका है पहले अपने टेस्ट सीरीज में, दीक्षित आयोग स्थायी राजधानी के चयन से संबंधित है और इसका गठन स्थायी राजधानी के चयन के लिए किया गया था।
दोस्तों ये आयोग बहुत ही विवादों में रहा है, क्योंकि इसने जब आपका जो आंसर है 17 अगस्त 2008, इसमें जब इसने अपनी रिपोर्ट दी थी तो गैरसैंण को इसने बिल्कुल नकार दिया था, यानी गैरसैंण जो प्रस्तावित राजधानी थी स्थाई, उसको इसने मना कर दिया था कि ये राजधानी नहीं बन सकती है। बहुत से परेशानियों का हवाला दिया था उन्होंने और देहरादून को उपयुक्त बताया था, तो तब से विवादित है। और दोस्तों इसका कार्यकाल मैं आपको बता चुका हूँ पहले, 11 बार इसका कार्यकाल आगे बढ़ाया जा चुका है, और उत्तराखंड 19 साल का होने वाला है। अब तक स्थायी राजधानी उत्तराखंड की नहीं है, देहरादून जो है आपकी अस्थायी राजधानी है। देख लेते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। कामेट पर्वत किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों आपका, जो आपका राइट आंसर होगा, कामेट पर्वत धौली व सरस्वती नदियों के मध्य में स्थित है। आपको पता होगा जो कामेट पर्वत है वो राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं दोस्तों 17। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का दूसरा सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो दोस्तों जनसंख्या संबंधित दो प्रश्न डाले गए हैं इस क्विज में, आपको आंसर बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का दूसरा सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? पहला जिला साक्षर पता है आपको, जो सर्वाधिक साक्षर जिला है उत्तराखंड का देहरादून जनपद है। दूसरा जनपद भी आपको पता होना चाहिए, तो जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों नैनीताल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नैनीताल की जो साक्षरता है 83.88% है। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आयोग द्वारा पूछे जा रहे हैं आजकल की परीक्षाओं में, और जनसंख्या से संबंधित दोस्तों एक प्रश्न बनता ही बनता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका जनसंख्या से ही संबंधित है ये भी। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की शहरी आबादी में 10% वृद्धि दर हुई है, यानी प्रश्न का मतलब है कि 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार राज्य की जो शहरी आबादी में 10% वृद्धि दर हुई है कितनी हुई है? तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा आपको बताना है कमेंट में, और आपको जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 39.94%, यानी शहरी आबादी में इतनी 10% वृद्धि दर हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों आपका, जो वह समाज के वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों आपको इस योजना की शुरुआत बतानी है, क्योंकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो पाठ्यक्रम है उसमें योजनाएं आती रहती हैं, जो एग्ज़ाम कराता है आयोग, पहले भी कई योजनाओं को पूछ चुका है। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर है 2009, यानी इस योजना की शुरुआत 2009 में हो चुकी थी। उसके बाद है दोस्तों आपका, उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों संस्थानों की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न, उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन का मुख्यालय आपका देहरादून में स्थित है, और देहरादून के अगर किसी स्थान की बात करें हम तो प्रेमनगर में यह स्थित है। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न जो है उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और सभी प्रश्नों का संकलन परीक्षा वाणी से किया गया था, जो कि उत्तराखंड की एक महान पुस्तक है। तो आपको अपने मार्क्स बताने हैं कि आपके कितने कितने नंबर आए हैं, क्योंकि इससे आपका स्तर पता चलेगा कि आप परीक्षा वाणी को किस तरीके से पढ़ रहे हैं। देख लेते हैं दोस्तों कल के जो हिंदी के प्रश्न हैं। कल के जो दोस्तों आपके हिंदी के प्रश्न हैं उसके आंसर ये हैं, आपको चेक कर लेने हैं, और चेक करने के बाद आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही थे। पहले क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है आपका नाट्यशास्त्र, दूसरा जो आपका क्वेश्चन था उसका पोखर होगा, और तीसरा आपका गरिमा का विलोम पूछा गया था तो लघिमा होगा, और चौथा जो आपको क्रिया पूछी गई थी वो प्रेरणार्थक होगी, और पांचवे का जो आपका संधि विच्छेद पूछा गया था वो दुधन उपयोग होगा। इनके जो प्रश्न हैं दोस्तों अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, इससे पिछला जो हमारा अंक था। आज के प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, आज के जो महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न हैं, पहला प्रश्न है आपका, जो व्याकरण जानता हो के लिए एक शब्द बताइए। तो दोस्तों जो व्याकरण जानता हो आपको एक शब्द बताना है उसके लिए, क्योंकि आयोग द्वारा इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं परीक्षाओं में। दूसरा प्रश्न है आपका दोस्तों दोहा है ये, यानी रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून।
इस दोहे में अलंकार बताइए। तो दोस्तों आपको अलंकार बताना है इस दोहे में कि आप इसमें कौन सा अलंकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, चिकना घड़ा होने का तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है इस मुहावरा, समझ लीजिए आप इसको, चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है आपका, वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल होगा। तो दोस्तों आपको क्रिया का काल बताना है इसमें, वह पहुंचा ही होगा। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों आपके, विलोम शब्द से संबंधित व्युत्पत्ति का आपको विलोम शब्द बताना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कल के जो क्वेश्चन थे हमारे, उनके जो बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं विक्रम भंडारी जी ने दिए हैं, बिल्कुल उनके जो आंसर थे 100% राइट थे, 5 के 5। तो बहुत अच्छा प्रयास किया है विक्रम भंडारी जी ने। तो इसी तरह आप भी पढ़ाई के लिए सक्रिय रहिए और अपनी जो स्टडी है उसको स्मार्ट तरीके से करिए। तो दोस्तों अगर आपने हमने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा।